अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं हूं आरिफ हाशमी, आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन टीवी न्यूज। ग्रेट इंडियन टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचार। आदाब, नमस्कार। ग्रेट इंडियन टीवी न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। इसी के साथ हम सभी देशवासियों को होली के पर्व के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और इसी के साथ आप सबको एक ऐसी खबर बताने जा रहा हूं जो बहुत ही हैरत अंगेज है। हालांकि खबर में गंभीरता तो नहीं है, लेकिन इसकी असलियत क्या है वो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। आज अचानक मेरी नज़र फेसबुक पर गई तो उस पर एक पोस्ट देखा। वो पोस्ट था शहर के समाजवादी पार्टी के चर्चित नेता आदिल खान आज़मी की। ये वही आदिल खान आज़मी हैं जो हमेशा रंग बिरंगे वस्त्रों में नज़र आते हैं, बेहतरीन कारों में घूमते हैं और मुशायरे के शौकीन आदिल खान आज़मी का आज एक शेर जब मैंने इस फेसबुक पर देखा जिसमें लिखा था, यहाँ तेरी जमींदारी नहीं है, ये दिल मेरा है सरकारी नहीं है, ये दिल मेरा है सरकारी नहीं है, जिसे चाहा उसी को चाहता हूँ, जिसे चाहा उसी को चाहता हूँ, मेरा किरदार बाजारी नहीं है। जब इस शेर को देखा तो बहुत ही खुश हुआ, लेकिन अचानक उस वक्त मैं अचरज में पड़ गया जब इस शेर के नीचे हथियारों का ज़खीरा देखा। आदिल खान आज़मी पूरे हथियार के साथ नज़र आ रहे हैं, तमाम शस्त्र रखे हुए हैं, कई संगीन हथियार हैं, बंदूक भी हैं उसमें, राइफल भी है। अब ये असली है नकली, इसकी पुष्टि तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन देखने में जो नज़र आ रहा है वो हथियारों का ज़खीरा है, कई बंदूक हैं। अब यहाँ पर यह मैं कहना चाहता हूँ कि चुनाव का माहौल है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सारे हथियारों को बैंड कर दिया है कि कोई भी निजी हथियार नहीं रख सकता है, उसका प्रदर्शन नहीं कर सकता है। फिर भी समाजवादी पार्टी के चर्चित नेता आदिल खान आज़मी फेसबुक पर इस हथियारों का प्रदर्शन करके आखिर कौन सा संदेश देना चाहते हैं? वो चाहे नकली हो या असली हो, लेकिन है तो वो हथियार। अब इसकी पुष्टि ग्रेट इंडियन टीवी न्यूज तो नहीं करता कि ये असली है नकली, लेकिन बंदूक जो नज़र आ रहे हैं उससे ये साबित होता है कि वाकई में ये बंदूक है। दोस्तों, तो इसी तरह से हम समाज की अच्छी बुरी खबरों की सच्चाई आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए ग्रेट इंडियन टीवी न्यूज़।